उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को बड़का जिला के नाम से भी जाना जाता है और प्रतापगढ़ में ही एक रियासत है जिसका नाम है बद्री रियासत। और बद्री रियासत के ही राजकुमार कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। वैसे तो राजा भैया का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है, मायावती से लेकर अखिलेश तक वो खट्टे मीठे संबंधों की वजह से चर्चा में रहे हैं। कुंडा में तालाब में मगरमच्छों की किंवदंतियों वाली कहानी हो या फिर कुंडा में कुंडी लगाने वाली बात हो, राजा भैया हमेशा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। पर अब राजा भैया एक बार फिर से विवादों में हैं, वो भी अपनी पत्नी से तलाक के मामले में। क्या है पूरा विवाद वो जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के द्वारा तलाक मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब के ब्यौरा में कई गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। इसके साथ ही भानवी सिंह ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिसमें साफ बताया गया है कि राजा भैया के तलाक मामले में प्रॉपर्टी एंगल का झूठ गढ़ा गया है। इसके साथ ही अवैध रिश्ते और लगातार टॉर्चर का राजा भैया की पत्नी ने विरोध किया। इसी विरोध के चलते राजा भैया ने पहले मारपीट की, फिर डराया धमकाया और फिर तलाक का मुकदमा दर्ज करा दिया। 23 अप्रैल 2015 को राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी सिंह के साथ मारपीट की, उन्हें बुरी तरह मारा, जिसके बाद भानवी सिंह हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुई। उन्होंने अपने जवाब में मेडिकल रिपोर्ट और उस समय की तस्वीरें लगाई हैं। इसके अलावा राजा भैया ने अवैध संबंध यानी प्रेम संबंध को लेकर भी झगड़े हुए हैं और अपने महल के कमरे में ही उन्होंने फायरिंग की थी। इसी दौरान उनकी पत्नी भानवी सिंह बाल बाल बची थी। सितंबर 2020 में राजा भैया ने भानवी सिंह को अपने घर से आने से रोक दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया, एक तरीके से देखा जाए तो। इतना ही नहीं, भानवी सिंह बच्चों की पढ़ाई और देखरेख का जिम्मा भी अभी तक उठा रही हैं। वहीं उनके पास राजा भैया के अवैध प्रेम संबंधों के पुख्ता सबूत हैं जो वो आगे आने वाले समय पर कोर्ट में पेश करेंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।